सीकर में मतदान के दिन आरएसएस कार्यकर्ता सुधीर गर्ग से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां मारपीट के विरोध में और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया, वहीं कई व्यापारिक संगठनों ने बंद का विरोध भी किया। इसी के चलते दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बंद के चलते पुलिस ने माकूल इंतजाम किए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए। यहां कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं तो कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। मामले में पुलिस ने भाजपा के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि आरएसएस कार्यकर्ता सुधीर गर्ग ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया सहित 10 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था और कार्रवाई नहीं होने पर विभिन्न संगठनों ने सीकर बंद का निर्णय लिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।